Start with the name of Allah, who is the most merciful and gracious. Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be fine. I am your social studies teacher, Ms. Samreen. Today I will teach you social studies of class 7. As you know that this is our lesson number 2 and lecture number 7. And our today topic is on today work is doing exercise. So students, open your book at page number 9. Look at here students, this is our page number 9, as you can see in the picture, and you can see it, okay? So students, आप लोगों के पास आई होप नोटबुक्स होंगे और आप लोगों ने फर्स्ट जो चैप्टर है वो आप लोगों ने नीट लिखा होगा. सो स्टूडेंट्स, पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा देती हूँ और फिर मैं आप लोगों को इसके आंसर भी लिखवाऊंगी. हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर ब्लैंक्स वगैरह जो होते हैं, जो कॉलम्स वगैरह होते हैं, वो नहीं होते. तो हम लोगों ने यहाँ पर ब्लैंक्स वगैरह जो है वो हम लोगों ने इसके अंदर से निकाले हुए हैं. और ये मैं अभी आप लोग को पहले ब्लैंक्स वगैरह लिखवाऊंगी और फिर मैं आप लोग को एक क्वेश्चन रीड करूंगी और उसका आंसर मैं आप लोग को बताऊंगी और फिर मैं आप लोग को वो एक्सप्लेन करूंगी. ओके, लेकिन आप लोगों ने ये जो सेकंड लेसन का एक्सरसाइज है ये भी आप लोगों ने अपने नोटबुक के अंदर लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्टिव्स मैंने बनाए हैं ये हमारे पास वो है. हमारे पास जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था लाइंस वगैरह आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से ड्रॉ करने हैं, मार्जिन लाइंस. अब यहाँ पर मतलब पैटर्न जो है ये बिल्कुल वही होना चाहिए. अब जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड. फर्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है ब्लैंक्स. तो ब्लैंक्स मैं आप लोगों को रीड कर देती हूँ. आप लोग जो है ये आप लोग सही से इसकी तरफ देखिए और ब्लैंक्स भी आप लोगों ने बिल्कुल वैसे ही फिल करने हैं. फर्स्ट ब्लैंक हमारे पास है, द सहारा डेजर्ट इज इन अफ्रीका विच मेक्स अप 10% ऑफ द टोटल डेजर्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड. फर्स्ट ब्लैंक में आप लोग फिर देखें, द सहारा डेजर्ट इज इन अफ्रीका, तो अफ्रीका विच मेक्स ऑफ 60% ऑफ द टोटल डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारे पास सहारा डेजर्ट जो है वो हमारे पास टोटल हमारे पास पूरी दुनिया का जो 60% है वो हमारे पास उसने कवर किया हुआ है. कि मतलब वो डेजर्ट जो है वो 60% है, इतना बड़ा है पूरी दुनिया का, जो हमारे पास कहाँ पर है, अफ्रीका में है. और उसका परसेंटेज जो है, परसेंटेज के लिहाज से वो हमारे पास है 60%. ओके, 60%. सेकेंड ब्लैंक, The साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैव अ मानसून, के मानसून जो होता है, मानसून की बारिशें जो होती हैं वो कौन सी कंट्रीज में होती हैं. तो द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैव अ मानसून, के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं वहाँ पर ज़्यादातर मानसून आता है, मतलब मानसून की बारिशें आती हैं. और पाकिस्तान में कहाँ आती है स्टूडेंट, आपको याद है, जुलाई से सेप्टेम्बर तक. वेरी गुड. Come to the next, which is blank number 3. 3/4 of all the major desert in the world are in Muslim countries. के हमारे पास अब है blank का word जो है वो है 3/4. 3/4 जिस तरह मैंने कहा था 3 out of 4, के हमारे पास 3/4 मतलब तीसरा हिस्सा जो है वो दुनिया का, वो हमारे पास मुस्लिम कंट्रीज़ का तीसरा हिस्सा जो है वो क्या है, डेजर्ट्स पर मुश्तमिल है. मेजर डेजर्ट इन द वर्ल्ड आर इन द मुस्लिम कंट्रीज, ज़्यादातर डेजर्ट जो है वो मतलब तीन हिस्से जो है वो हमारे पास मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर है, मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर है. कम टू द नेक्स्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसीव 1800 to 2500 मिलीमीटर ऑफ अ रेनफॉल इन अ ईयर, कि हमारे पास ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं, जो जिनकी बारिशों की मकदार वहाँ पर है वो हमारे पास 1800 से लेके 2500 मिलीमीटर तक होती है एक साल के दौरान, मतलब वहाँ पर इतनी बारिशें होती है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में. ब्लैंक नंबर 5 इज़, द मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक क्लाइमेट रीजन्स हैज़ मेल्ड वेट विंटर्स, के हमारे पास जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक रीजन्स हैं वो हमारे पास मेल्ड मीन्स के वो हमारे पास मिड में होते हैं, उनका टेम्परेचर जो होता है
वो ना ही हमारे पास ज़्यादा वार्म होता है ना ज़्यादा कोल्ड होता है। वेट हमारे पास वो वहाँ पर का जो क्लाइमेट है वो हमारे पास ड्राई नहीं होता क्योंकि वो हमारे पास मेडिटेरेनियन सी के साइड पर है। एंड विंटर मतलब विंटर्स वगैरह जो होते हैं विंटर जो वहाँ पे होते हैं वो मेल्ट होते हैं, माइल्ड मींस ना गर्म होते हैं ना हमारे पास ठंडे होते हैं, लेकिन गर्मी वहाँ पे अगर जब होती है तो क्या होती है वो फिर कोल्ड होती है बनिस्बत और एरियाज़ के। ब्लैंक नंबर 6 इज़ उज़्बेकिस्तान इज़ द 5th लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग स्टेट इन द वर्ल्ड। उज़्बेकिस्तान जो है वो हमारे पास दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया का जो कॉटन क्या करता है प्रोड्यूस करता है, कॉटन की ग्रोइंग जो है वो उस मुल्क के अंदर होती है। बैंक नंबर 7 इज़ इन पाकिस्तान द मूनसून इज़ फ्रॉम जुलाई टू सेप्टेम्बर के। पाकिस्तान में हमारे पास मूनसून की बारिशें जो होती हैं, जो मूनसून का दौर होता है वो हमारे पास होता है जुलाई से सेप्टेम्बर तक, और उसकी पहले की बारिशें होती है वो मैंने आप लोगों से कहा था कहाँ पर बरस जाती है इंडिया में। वेरी गुड, क्योंकि वहाँ पे वहाँ से जो विंड्स आती है तो पहले बारिशें वहाँ पे बरस जाती है फिर हमारे पास आती है पाकिस्तान। सो कम टू द नेक्स्ट ब्लैंक नंबर 8 इज़ तुर्की सीरिया एंड लेबनान आर टेम्परेट ग्रासलैंड के। हमारे पास ये तीनों वो कंट्रीज़ हैं जहाँ का मतलब जहाँ की जो लैंड है वो हमारे पास क्या है टेम्परेट ग्रासलैंड, वहाँ की जो टेम्परेचर है क्या है टेम्परेट के हमारे पास वो नॉर्मल रहता है, ज़्यादा ना गर्म और ना ज़्यादा ठंडा। ब्लैंक नंबर 9 इज़ सफारीज इन अफ्रीका आर ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन। सफारीज मैंने कहा था कि वहाँ पे लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एनिमल्स जो है वो बहुत ही अच्छी मतलब अच्छी तादाद में भी है, और दूसरा ये वहाँ के एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होते हैं, तो लोग वहाँ पर जाते हैं इन एनिमल्स को देखने के लिए। ब्लैंक नंबर 9 इज़ इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट द टेम्परेचर रिमेन्स एट 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस ऑल ईयर राउंड। हमारे पास जो टेम्परेचर रहता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है पूरे साल। क्यों रहता है वहाँ पर, इसलिए क्योंकि वहाँ पर हमारे पास ट्रीज़ की तादाद जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ का मौसम जो होता है वो ज़्यादा गर्म नहीं होता, तो टेम्परेचर हमारे पास 20 से 30 के बीच में ही रहता है। स्टूडेंट्स आप लोग अभी अपने बुक में पेज नंबर 9 को लें, वहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज़। तो आप लोगों ने पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास है डिस्क्राइब वाई द मानसूनस आर इम्पॉर्टेंट फॉर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के। हमारे पास मानसून की बारिशें जो है वो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ के लिए हमारे पास जो है वहाँ के एरियाज़ के लिए क्यों ज़रूरी है उसको लिखना है। आंसर की तरफ आप लोग अभी देखें, मानसूनस आर इम्पॉर्टेंट फॉर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया बिकॉज दे ब्रिंग हैवी रेनफॉल विच इज़ बेनिफिशियल फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स। ऑल्सो द प्लेसेज विच रिसीव रेन फ्रॉम द मानसून हैव थिक रिच वेजिटेशन। अब हमारे पास जितनी भी मानसून की बारिशें हैं तो वो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के लिए इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि वहाँ की बारिशों से वहाँ की क्रॉप्स जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है, तो वहाँ की क्रॉप्स को बेटर बनाने के लिए वहाँ की मतलब बारिशें जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती है फॉर बेनिफिशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। एंड हमारे पास दूसरी बात जो यहाँ पर है कि हमारे पास बारिशें जो होती हैं जिन एरिया में मानसून की बारिशें होती हैं तो वहाँ की वेजिटेशन जो है वो ऑब्वियसली क्या होगी थिक एंड रिच, वहाँ की वेजिटेशन थिक और रिच होगी इसलिए क्योंकि वहाँ पर बारिशें होगी, और मानसून की बारिशें जो होती हैं वो ऑलमोस्ट हमारे पास 2 मंथ से ज़्यादा ही होती है, तो वो बारिशें अच्छी वेजिटेशन के लिए जो है वो काफ़ी होती है। समझ गए स्टूडेंट्स, come to the next question which is question number 2. So students this is our question number 2 and question number 3. पहले मैं आप लोगों को question number 2 read कर देती हूँ जो book के page number 9 पर है। How is Pakistan affected by the monsoons? कि पाकिस्तान जो है वो हमारे पास मानसून से किस तरह इफ़ेक्ट होता है, कैसे असरात उसके पाकिस्तान पर मुरतब होते हैं। तो हमारे पास आंसर हमारे पास है पाकिस्तान गेट्स इट्स रियल मानसून इट्स मानसून रेन फ्रॉम द वेंड्स दैट कम इन फ्रॉम द साउथ ईस्ट। दीज वेंड्स रीच पाकिस्तान आफ्टर क्रॉसिंग इंडिया वेयर दे हैव ऑलरेडी शेड मच ऑफ द रेन
only north of the country gets real monsoon rainfall. अब हमारे पास question जो है कि पाकिस्तान में जो हमारे पास हवाएं आती है मानसून की, वो आती है, वो हवाएं जो होती है वो हमारे पास सबसे पहले साउथ ईस्ट से होके आती हैं. तो साउथ ईस्ट में हमारे पास जो कंट्रीज़ होती हैं उसमें हमारे पास ये बारिशें जो होती हैं ये पहले हमारे पास इंडिया को क्रॉस करती हैं. इंडिया को क्रॉस होके ही ये बारिशें पाकिस्तान पहुंचती हैं. तो पहले बारिशें जो होती हैं वो कहाँ पे बरस जाती हैं? इंडिया में. वेरी गुड. देख यहाँ पे आप लोग देखें लाइन नंबर 4 में, आफ्टर क्रॉसिंग इंडिया वेयर दे हैव ऑलरेडी शेड मच ऑफ द रेन, के बारिश का बहुत ज़्यादा पार्ट जो होता है वो हमारे पास सबसे पहले इंडिया में बरस जाता है. ओनली नॉर्थ ऑफ द कंट्री गेट्स रियल मानसून रेनफॉल, कि पाकिस्तान के वो कंट्रीज़ जो वो एरियाज जो नॉर्थ में है पाकिस्तान के, वहाँ पर बारिशें क्या होती है थोड़ी सी ज़्यादा होती है पाकिस्तान के बनिस्बत उन एरियाज़ के जो पाकिस्तान के और डायरेक्शन में है, एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ. नॉर्थ की तरफ जितने भी कंट्रीज़ हैं साइड्स हैं सॉरी, तो वहाँ पर बारिशें जो होती हैं मानसून की वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड आउट वेयर दीज डेजर्ट्स आर इन योर एटलस, मेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, मेक मार्क देम ऑन इट. फर्स्ट वन इज़ सहारा, बी इज थर्ड वन इज़ दश्टिलुत एंड लास्ट वन इज़ कैजल कुम. आंसर में आप लोग देखें कि ये डेजर्ट जो हमारे पास है कि ये कहाँ पर है, आप लोगों ने ये लिखना है. ओके, तो फर्स्ट वन इज़ सहारा. द सहारा डेजर्ट इज़ इन अफ्रीका विच मेक्स अप 60% ऑफ द टोटल डेजर्ट एरिया इन द वर्ल्ड, कि हमारे पास सहारा डेजर्ट जो है वो कहाँ पर है, अफ्रीका में है, और जिसने हमारे पास पूरी दुनिया का 60% जो है वो क्या किया है, कवर किया हुआ है. सेकेंड वन इज़ थर डेजर्ट इज़ इन पाकिस्तान. थर डेजर्ट कहाँ पर है, पाकिस्तान में. ये डेजर्ट हमारे पास इंडिया में भी है, क्योंकि ये हमारे पास ये डेजर्ट जो है ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों के आधे आधे हिस्से में आता है. ओके, दश्त-ए-लुत इज़ इन ईरान. दश्त-ए-लुत कहाँ पर है, ईरान में है. कैजल-कुम इज़ इन उज़्बेकिस्तान. कैजल-कुम जो है वो हमारे पास है उज़्बेकिस्तान में. स्टूडेंट समझ गए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था. क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बुक में देखें पेज नंबर 9 पे, लिस्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड रेन फॉरेस्ट. आप लोगों ने फ़ायदे लिखने हैं और नुकसान लिखने हैं किस चीज़ के, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड रेन फॉरेस्ट के. तो हमारे पास पहला जो हमारे पास है वो है एडवांटेजेस, कि हमारे पास उसके फ़ायदे जो है वो क्या है. फॉरेस्ट सप्लाई टिम्बर स्पेशली वैल्यूएबल हार्डवुड्स रीन्यू द एटमॉस्फेयर बाय प्रोवाइडिंग मच नीडेड ऑक्सीजन, प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन. अननोन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज आर बीइंग डिस्कवर्ड स्पेशली इन द अमेजोन रेन फॉरेस्ट. सम ऑफ दीज मे प्रोवाइड वैल्यूएबल मेडिकल ड्रग्स. अब हमारे पास एडवांटेजेस में क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं. तो फॉरेस्ट जो होते हैं यहाँ पर फर्स्ट लाइन में है सप्लाई टिम्बर. टिम्बर मैंने कहा था वो लकड़ी जिससे हमारे पास क्या बनाया जाता है, फर्नीचर बनाया जाता है, और वो भी अच्छी क्वालिटी का. स्पेशली वैल्यूएबल, वैल्यूएबल हमारे पास क्या है, मौजू, जो हमारे पास बहुत ही कीमती होता है. हार्डवुड्स रीन्यू द एटमॉस्फेयर, हमारे पास एटमॉस्फेयर को रीन्यू करता है कैसे, बाय प्रोवाइडिंग मच नीडेड ऑक्सीजन. अगर हमारे पास ट्रीज़ होंगे, फॉरेस्ट होंगे, तो हमारे पास उससे ऑक्सीजन जो होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास ज़्यादा होगा. हमारी कंट्री को, हमारी एटमॉस्फेयर में हमारे पास ऑक्सीजन जो है उसकी प्रोवाइडिंग ज़्यादा होगी ट्रीज़ की वजह से. प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन. इरोजन कहते हैं कटिंग ट्रीज़ को. ओके, और दूसरा ये कि हम ट्रीज़ की कटिंग को बचा सकते हैं किस चीज़ के ज़रिए, जब हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो हमें ये मतलब कटिंग ट्रीज़ जो है उसकी कटिंग नहीं करनी चाहिए. अननोन स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स. स्पीशीज़ हमारे पास के और भी बहुत सारी मखलूक़ात जो हैं ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज़ आर बीइंग डिस्कवर्ड, के बहुत सारी चीज़ें इसमें दरियाफ्त हो जाती है इन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में एंड रेन फॉरेस्ट में, स्पेशली इन द अमेजोन रेन फॉरेस्ट. और ज़्यादातर हमारे पास अमेजोन रेन फॉरेस्ट में पैदा हो जाती है, जिसकी मैंने पहले बात की कि अमेजोन फॉरेस्ट जो है वो हमारे पास तकरीबन
दुनिया के आधे हिस्से को हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो अमेजोन फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है. सम ऑफ दीज में प्रोवाइड वैल्यूएबल मेडिकल ड्रग. कुछ इसमें हमारे पास मतलब जो कुछ ट्रीज होती हैं जिसको हम जड़ी बूटियाँ कहते हैं, जिससे हमारे पास दवाइयाँ बनाई जाती हैं, तो उसमें भी हमारे पास यूज़ हो सकते हैं. मेडिकल हमारे पास की जितनी भी दवाइयाँ वगैरह होती है उसमें यूज़ हो सकती है. ड्रग्स मीन दवाइयों में, नशे वाली नहीं यहाँ पे. सही है. एडवांटेजेस फर्स्ट मैं रीड कर देती हूँ. फॉरेस्ट आर अनहेल्दी बिकॉज ऑफ द हीट एंड ह्यूमिडिटी. द इनजनरल डिजीजेज सच एज मलेरिया एंड वेंट क्लियर फॉर क्रॉप्स. Soil, which is of limited fertility, is soon exhausted and more areas have to be filled. अब हमारे पास इसके नुकसान जो है वो क्या है कि हमारे पास फॉरेस्ट जो होते हैं वो अनहेल्दी इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे मतलब वो एरियाज जो होते हैं, या एक तो वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है, और अगर हीट होती है तो उसके साथ हमारे पास जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है ह्यूमिडिटी. नमी जो होती है उन एरियाज़ में, वेटनेस जो होती है बहुत ज़्यादा होती है. उन्हीं वजह से हमारे पास वहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ जो होती हैं वो वहाँ पे पैदा हो जाती हैं, जिसमें मलेरिया जो है वो हमारे पास पहले नंबर पे आता है. और मलेरिया आप लोगों को पता है मॉस्कीटो से लगता है. तो हमारे पास इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या हो गया कि ये डिजीज़ जो है इससे पैदा होते हैं बहुत सारी. और उसमें जो हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है वो है मलेरिया. एंड हमारे पास दूसरा ये कि जब ये एरियाज जो होते हैं, जब इनको क्लियर कर दिया जाए, मतलब जब इन ट्रीज़ वगैरह की कटिंग की जाए, तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑक्सीजन की कमी होती है वो पेश आती है इसके ज़रिए. विच इज़ ऑफ लिमिटेड फर्टिलिटी इज़ सून एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड मीन खारिज करना, के मतलब बहुत सारी ट्रीज़ होती है उनकी कटिंग रुक जाती है, तो ऑब्वियसली हमारे पास फर्टिलाइजेशन जो है, जो फर्टिलिटी है हमारे पास, एग्रीकल्चर जो है, इरिगेशन जो है, वो उससे बहुत ही बड़े पैमाने पे हमारे पास क्या होती है, इफ़ेक्ट होती है. एंड मोर एरियाज हैव टू बी फिल्ड. और उन एरियाज़ को कवर करना जो होता है वो फिर क्या होता है, मुश्किल होता है. मतलब हमारे पास उन ट्रीज़ की कमी को फिर से दोबारा पूरा किया जाए. समझ गए स्टूडेंट. अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 में रीड कर देती हूँ. व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर कंट्रीज दैट हैव टेम्परेट ग्रासलैंड. हाउ डज दिस क्लाइमेट इफेक्ट दिस देयर प्रोडक्ट. अब हमारे पास क्वेश्चन में टू मतलब एक क्वेश्चन के अंदर दो सवाल आते हैं. फर्स्ट है व्हाट आर द बेनिफिट फॉर कंट्रीज दैट हैव टेम्परेट ग्रासलैंड. कि आप लोगों ने पहले तो ये लिखना है कि जिन एरिया का क्लाइमेट जो होता है वो टेम्परेट होता है, इनकी ज़मीन जो होती है वहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड होती है, तो उनके बेनिफिट्स क्या हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं. उसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है हाउ डज़ दिस क्लाइमेट इफ़ेक्ट दियर प्रोडक्ट. और उनके मतलब जो प्रोडक्ट्स वहाँ पर पैदा होते हैं उस पर क्या असरात होते हैं, कि मतलब वो कैसे इफ़ेक्ट होते हैं उससे. तो आंसर में हमारे पास है कंट्रीज दैट हैव टेम्परेट ग्रासलैंड आर एक्सीलेंट फॉर रियरिंग ऑफ एनिमल्स स्पेशली लाइफ स्टॉक. The climate here with is suitable for cereals, crops and with irrigation, a wide variety of other plants and fruits can be grown. अब हमारे पास कि जो जिन कंट्रीज़ का क्लाइमेट जो होता है, जिनकी लैंड जो होती है वो टेम्परेट ग्रासलैंड होती है, तो वो एरियाज़ हमारे पास होते हैं ज़्यादातर एनिमल्स को पाने के लिए, माल मवेशियों को पाने के लिए, जहाँ पे लोग होते हैं नोमैडिक एंड सीमी नोमैडिक, जो हम लोगों ने बहुत दफ़ा डिस्कस किया है. और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, जो उनको पालते हैं, जो माल मवेशियों को पालते हैं. लाइफ स्टॉक मीन्स माल मवेशियाँ के टेम्परेट ग्रासलैंड जो होते हैं. पहली बात कि ये हमारे पास माल मवेशियों को पालने के लिए बहुत ही मतलब एक्सीलेंट है ये जगह उनके लिए. सही है. दूसरा है द क्लाइमेट हियर इज सूटेबल फॉर सीरियल क्रॉप. के दूसरा जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो उस एरिया के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब क्या असरात है उस टेम्परेचर के. तो हमारे पास जो वहाँ पे क्रॉप्स उगते हैं, जो अनाज में हमारे पास होते हैं, जो जौ और गंदम की हमने बात की थी, कि वो हमारे पास बहुत ही वाइड वैरायटी मीन्स के बहुत ही वसी तादाद में, वसी पैमाने पर पैदा होती है. लेकिन हमारे पास क्या होती है वहाँ पर, इरिगेशन होती है. इरिगेशन होनी चाहिए. अदर प्लांट्स एंड फ्रूट्स कैन बी ग्रोन. और भी फ्रूट्स और प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पर ग्रो हो सकते हैं, जिस तरह के हम लोगों ने बात की थी रबर ट्रीज़ की, ट्रॉपिकल फ्रूट्स की, तो वो हमारे पास इन एरियाज़ में हो सकते हैं. सही है. अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 मैं पहले रीड कर देती हूँ.
कंपेयर द काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन यू फाइंड इन, कि हमारे पास आप लोगों ने क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो कंपेयर करनी है एक कंट्री के दूसरे से. बुक में टू कंट्रीज़ के नाम दिया गया है, फर्स्ट वन इज़ पाकिस्तान और ओन कंट्री एंड सेकेंड वन इज़ इंडोनेशिया. पहले मैं आप लोग को ये रीड कर देती हूँ कि वहाँ के क्लाइमेटिक रीजन जो है वो हमारे पास, मतलब उनको हम कंपेयर करें तो क्या होगी कि वहाँ पे काइंड ऑफ मतलब क्लाइमेट जो होती है वो कैसी होती है. फर्स्ट वन इज़ पाकिस्तान. पाकिस्तान हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स, स्क्रब एंड सीमी डेजर्ट्स, मूनसून वेजिटेशन एंड ह्यूमिडिटी. द वेजिटेशन फाउंड इन पाकिस्तान इज़ मोर वाइड रेंजिंग. सेकेंड वन इज़ इंडोनेशिया. इंडोनेशिया हैज़ अ ट्रॉपिकल मूनसून क्लाइमेट. The vegetation in Indonesia is dense and perennial, typical of the monsoon region. Perennial हमारे पास कहते हैं जहाँ पे वो plants जो हमारे पास साल के 3 या 4 मौसमों में हमारे पास वो वैसा ही रहता है, कि मतलब ज़्यादातर जो होते हैं वो plants तो 3 मौसमों में वैसे ही रहते हैं, मतलब ज़्यादातर साल के ज़्यादातर महीनों में वो plants जो होते हैं, वो trees जो होते हैं या वो vegetation जो होती है वो वैसी ही रहती है, या एक मौसम में वो plants जो होते हैं वो change हो जाते हैं. सही है. अब हमारे पास क्वेश्चन में आप लोग देखें, हमारे पास अब यहाँ पर है कि पाकिस्तान जो है वहाँ पे हमारे पास वाइड वैरायटी मीन वसी पैमाने पर रीजन व क्लाइमेट जो वहाँ पर है हमारे पास वो होती है हॉट एंड कोल्ड, के मतलब चेंज होती रहती है, जिस तरह की सर्दियों में हमारे पास होती है क्या होती है, कोल्ड होती है, एंड गर्मियों में होती है हॉट. डेजर्ट्स हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स ये सहरा होते हैं हमारे पास, स्क्रब जिसमें झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, एंड सीमी डेजर्ट जो हमारे पास सैंड जिसमें होता है. मानसून वेजिटेशन एंड ह्यूमिडिटी, मानसून वेजिटेशन जितनी होती है मतलब जितनी भी फसलें वगैरह क्रॉप्स होती है एग्रीकल्चर वगैरह होती है वो भी होती है, लेकिन उसके साथ साथ होती थी ह्यूमिडिटी कि मतलब नमी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है. द वेजिटेशन फाउंड इन पाकिस्तान इज़ मोर वाइड रेंजिंग, उनकी तादाद जो है वो हमारे पास एक बहुत ही अच्छी क्वांटिटी पर है, हमारे पास वहाँ पे क्या होती है वेजिटेशन जो है बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में होती है. नेक्स्ट वन इज़ इंडोनेशिया. इंडोनेशिया हैज़ अ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट. हमारे पास इंडोनेशिया की जो क्लाइमेट है वो हमारे पास क्या है, ट्रॉपिकल है. ट्रॉपिकल हमारे पास कहते हैं गर्म को, कि वहाँ पर हमारे पास गर्म होते हैं. अब पाकिस्तान की तरफ आप लोग फिर से देखें तो वहाँ पे हमारे पास है हॉट एंड कोल्ड बोथ, जबकि इंडोनेशिया में क्या है, ट्रॉपिकल. ट्रॉपिकल में हमारे पास ये बात हमेशा याद रखें क्या होगी, सिर्फ गर्म होगी. ओके सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अ न्यू लेसन. आप लोगों ने ये लेसन जो है ये आप लोगों ने पूरा लिखना है अपने नोटबुक के अंदर, बिल्कुल नीट लिखना है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी. गुड बाय एंड टेक केयर.